नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुश्ती और कबड्डी प्रदेश के माटी के पारंपरिक खेल हैं, जिनको गांव-गांव में प्राचीन समय से खेला जाता है और ऐसे खेल हमें ऊर्जा, संस्कार व प्रेरणा देते हैं। इसी के चलते आज हरियाणा को खेलों की धरती और खेलों का हब के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के बछेर स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ करते हुए ये शब्द कहे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और अर्धसैनिक बलों की 36 टीमों के 2561 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए पुलिस खिलाड़ियों का हरियाणा की पावन धरा पर पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो फिट है वो हिट है। शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ जो योग पद्धति को अपनाकर या खेल खेलकर अपने आप को फिट रखता है वही हिट होता है। यही प्रदर्शन खिलाड़ियों की ओर से दिखता है। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो उस विजय से न केवल उसे ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। खेलों में पुलिस का भी कम योगदान नहीं है और हरियाणा पुलिस के जवान तो धाकड़ हैं, जो प्रधानमंत्री के संदेश फिट है तो हिट है की सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुश्ती को दंगल कहा जाता है। दंगल में एक खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी की पीठ जमीन पर टिकाकर चित करता है और वह विजयी होता है। पुलिस का कर्तव्य भी दंगल से कम नहीं है। जब कभी अपराधियों से मुठभेड़ होती है तो अपराधी की पीठ टिकाना ही पुलिस का लक्ष्य होता है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हर हरियाणवी की शान है और अपनी खेल प्रतिभा दिखाकर यहाँ के खिलाड़ियों ने सदैव देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भी देश को मिले 83 पदकों में से 21 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को खेल, पुलिस, शिक्षा और ऊर्जा विभाग में नौकरियों में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूलों में हॉकी और मुक्केबाजी की नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 5 से 15 आयु वर्ग के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विश्व का ऐसा प्रदेश है जहां ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार ने निरंतर पहल की है। गांव, खंड, जिला और राज्य स्तरीय खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है जहां पर खिलाड़ी अभ्यास कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से आए सभी पुलिस खिलाड़ियों को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हुआ महाभारत युद्ध का स्मृति चिन्ह अर्जुन रथ स्मृति के रूप में प्रदान करने की भी घोषणा की। आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करके मुझे बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो रही है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते देश भर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही 36 टीमों के 2561 खिलाड़ियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग पुलिस के जवान होने के नाते खेल में अपनी प्रतिभा देश भर में दिखा रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस की आपकी नौकरी देखा जाए तो ये जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है इसको दंगल कहते हैं, वैसे पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं, ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्रों, भाई बहनों, हमारे यहाँ हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव-गांव में खेल खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है,
वही खिलाड़ी आगे बढ़कर के देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं, इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज के जो टैली है देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है, 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिलकर के काम करने के लिए हम प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है दुनिया में। हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो DAV पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच दम यंग 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपया हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहां आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहां इकट्ठे रहने वाले हैं, आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। जो यहां खिलाड़ी आए हैं 5 दिन प्रतियोगिता चलेगी, निश्चित रूप से 5 दिन आपको सेवा का मौका हरियाणा के लोग देंगे, आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। फिर भी कोई आप अपने साथ हमारे यहाँ की कमी ना ले जाएं, आपको कोई चीज अच्छी लगे वो साथ लेकर के जाएं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।